रंग रंगीले प्रदेशों के तौर पर अगर कोई प्रदेश देश के और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो है राजस्थान। राजस्थान के महल और किले यहाँ की संस्कृति की झलक पेश करते हैं। लेकिन सूबे के सबसे खूबसूरत महलों की बात की जाए तो जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस लाजवाब है। इस महल का निर्माण सन 1929 में शुरू हुआ था। ये महल 1943 में बनकर तैयार हुआ था। देश की आजादी से पहले बनाया गया एकमात्र आखिरी महल है। इस महल को बनाए जाने की वजह भी काफी दिलचस्प है। 1920 के दशक में जब राजस्थान में अकाल पड़ा था तो क्षेत्र के किसानों ने तत्कालीन राजा उम्मेद सिंह से मदद की गुहार लगाई थी। तब राजा उम्मेद सिंह ने अपनी प्रजा को सूखे से उबार और उन्हें रोजगार देने के मकसद से ही इस महल का निर्माण शुरू करवाया था। इस महल को बनाने में लगभग 3000 कारीगर लगे थे। उम्मेद भवन पैलेस को बनाने में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा थी। उम्मेद पैलेस के निर्माण में मकराना के सुनहरे और पीले संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल भी हुआ है। महल के अंदरूनी हिस्से की नकाशी के लिए सागौन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। 1943 में बनकर तैयार हुए इस महल में कुल 347 कमरे, कई आंगन के साथ एक बड़ा डाइनिंग हॉल भी है, जिसमें 300 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। साल 1978 में इस महल को होटल में तब्दील कर दिया गया था। महल के एक हिस्से में पूर्व नरेश गत सिंह का परिवार भी रहता है। इस महल को देखने के लिए देश और विदेश से काफी संख्या में सैलानी आते हैं। जन्म दिवस से लेकर विवाह तक के समारोह के लिए इस महल की बुकिंग की जाती है। जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इस पैलेस को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटलों का खिताब भी मिल चुका है।